दोस्तों अभी हम लोग का मिथिला के भान समस्तीपुर के सराजन प्रखंड के उदयपुर गांव, आपको बता दूं कि अभी आप देख पा रहे हैं हमारी स्थिति है उसी पंडाल स्थल पर, जिस पंडाल स्थल पर महाराज जी आएंगे उसी पंडाल में बैठ के लाखों लोग कथा श्रवण किए जाएंगे। बाकी यही वो सेटअप है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से व्यू आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा होगा कि देखिए कितने भयानक रूप से जो है इस पंडाल को सजाया गया है। जैसा कि आप सभी ने पता होगा कि जर्मन पंडाल जो बनाया गया था, देखिए यही वो पंडाल है, यहीं पर महाराज जी जो है विराजमान होकर हजारों लोग कथा सुनाएंगे। यहाँ से कुछ व्यू जो है इस प्रकार से दिख रहा है जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए ये सेटअप वगैरह है, यहीं पे महाराज जी आएंगे, श्री अनुराधाचार्य महाराज जी आएंगे, यहीं पे बैठकर जो है विराजमान होने वाले हैं कुछ ही देरों में। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जो है आप लोग को पता चले, लोगों को जानकारी मिले कि हाँ बस आज ही से जो है महाराज जी कुछ ही देरों में जो है महाराज जी के मुख से आप लोग कथा सुनिएगा लाइव टेलीकास्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही जो बेड है यहीं पर महाराज जी विराजमान होंगे और कुछ ही देरों में जो है महाराज जी के मुख से आप लोग कथा सुनिएगा। ये सेटअप है, देखा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है कूलर, एसी कूलर जो है, साउंड वगैरह, और पीछे का दृश्य देखिए श्री कृष्ण भगवान और जो है सबसे ऊंचाई में गणेश भगवान, और इधर देखिए ये शायद राधा जी है और लाइट का डेकोरेशन देख पा रहे होंगे कितना भयानक लाइट का डेकोरेट किया है। आप लोग आश्चर्यचकित में होंगे कि यहाँ पे सेटअप वगैरह कैसा रहता है, देख लीजिए यहाँ पे सेटअप वगैरह कैसा रहता है। और जो बजाने वाले होते हैं, इंस्ट्रूमेंट करता होते हैं, वो यहाँ पे विराजमान होकर इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साउंड का व्यवस्था आगे पीछे दोनों, और बीच में जो है माइक का व्यवस्था कर दिया गया, काफी भयानक व्यवस्था किया गया है जैसा कि आप इस आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ से जो है जो देख पा रहे हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज से जो भक्त आते हैं, यहीं से बैठ कर जो है महाराज की साक्षात कृष्ण दर्शन करते रहते हैं। जैसा कि महाराज जी दिखते हैं तो कृष्ण भगवान की तरह दिखते रहते हैं। और यहाँ देख लीजिए वो सेटअप है जो लाइव टेलीकास्ट का सेटअप जो वगैरह रहता है, वो लाइव टेलीकास्ट का सेटअप है जो LED सब रहता है, सारा LED लगाया गया है। बाकी यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया फिर फॉलो कर लीजिए। बाकी आप देख पा रहे हैं ये DJ साउंड का सेटअप वगैरह है, सारा चीज़ है सज कर है तैयार हो चुका है। बस कुछ ही दौरों में जो है महाराज जी यहाँ पे आएंगे, वो पटना से महाराज जी जो है पटना से चल चुके हैं, बस अब कुछ ही दौरों में जो है समस्तीपुर पधार रहे हैं। बाकी आप देख पा रहे हैं जो भक्त सब जो है आ चुके हैं जगह। अगर आप लोग अभी तक नहीं आए तो आप लोग को लोकेशन आपने मेरे चैनल दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, आपको लोकेशन प्राप्त हो जाएगा। आप लोकेशन से आप जो है महाराज जी की कथा शुरू होने से पहले आप जो है पंडाल स्थल में विराजमान हो जाएगा। बाकी आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से व्यू है, जो इसी व्यू के अंदर में जो महाराज जी बैठे रहते हैं, इसी जो इसे सेटअप है, इसी सेटअप पर महाराज जी बैठे रहते हैं, विराजमान रहते हैं और अपने मुख से जो है कथा श्रवण करते हैं। लाखों लोग उनके मुख से आप लोग कथा सुनते होंगे, आप लोग जानते होंगे, हालांकि जो इंटरनेशनल कथावाचक महाराज जी हैं उनके मुख से आप लोग कथा कहीं सुने होंगे मोबाइल, यूट्यूब, TV वगैरह पर। बाकी आप देख पा रहे हैं ये सेटअप जो है काफ़ी व्यू है, काफ़ी भयानक रूप है, काफ़ी विकराल रूप है। देखिए कितना भयानक जो है सजाया गया है। आप सभी को जो है यही पंडाल में आपको जब तैयारी हो रहा था ये चीज़ें आपको दिखाए थे, देखिए महाराज जी का पंडाल जो है तैयार हो रहा है। अभी जो है महाराज जी का पंडाल जो है तैयार होकर पूरा फाइनली बन चुका है, बस महाराज जी का इंतजार है। महाराज जी पटना से चल चुके हैं, बस कुछ ही देरों में समस्तीपुर पधार रहे हैं, तो उनके मुख से आप लोग जो है बस कुछ ही देरों में है उनके मुख से कथा आप लोग सुनिएगा। आप लोग बता दूं कि ये समस्तीपुर के सराजन प्रखंड के उदयपुर गांव में स्थित है। महाराज जी आ रहे हैं आज से लेकर 11 तारीख तक, यानी 5 तारीख से लेकर 11 तक उनके मुख से आप लोग लाइव टेलीकास्ट, अगर आप दूर से हैं तो उनको अगर लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो लाइव टेलीकास्ट देख लीजिए। और हाँ, अगर आप नज़दीक आकर यहाँ पर देखना चाहते हैं साक्षात कृष्ण भगवान यानी कि अनुराधाचार्य जी मिलना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप देख पा रहे हैं यहीं पर महाराज जी रहेंगे। इधर देखा जी यहीं पर रहेंगे महाराज जी, महाराज जी रहेंगे यहीं पर विराजमान होकर महाराज जी कथा सुनाएंगे। आपको वो सेटअप दिखा दिए हैं, देखिए यही वो सारा सेटअप है, यहीं पर महाराज जी आकर वो सारे आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिले, और वीडियो को जो है शेयर इतना कर दीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिले कि आज से जो है महाराज जी की कथा शुरू होने जा रहा है। आप लोग आइए यहाँ पे आकर महाराज जी के मुख से कथा सुनिए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए लोगों को जानकारी मिल सके कि महाराज कुछ ही दिनों में पधारने वाले। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जो भी जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि अगले वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए।